बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें मैंने आप लोगों को गाइड करना है जो एडमिशन है बीएस एमएससी एमफिल और पीएचडी में जो कब हो रहे हैं और इसमें प्रोसीजर क्या है। तो सबसे फर्स्ट तो जो एड आई है एमफिल पीएचडी के लिए और एमबीए एग्जेक्टिव के लिए, इसमें थ्री डिफरेंट प्रोग्राम है, मॉर्निंग है, रेप्लिका और एग्जेक्टिव है। अभी सिर्फ एम फिल पी आई टी और एम बी ए एग्जेक्टिव की एड आई है, बाकी जो बी एस है और एम एस सी इसकी एड बाद में आएगी। तो एक कुछ काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि एम एस सी में इस ईयर एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। तो एच ई सी की जैसे पॉलिसी है कि जो 2 ईयर एम एस सी और बी एस सी है इसको विद टाइम लिमिट इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर एम एस सी में एडमिशन नहीं होता तो यूनिवर्सिटीज क्या करेंगे, बी एस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन करेंगे, वो इक्विवेलेंट टू एम एस सी ही होगा। जो बी एस सी जिन लोग स्टूडेंट्स ने किया वो उसमें एडमिशन ले सकेंगे, यानी कि अगर जिन लोगों ने बी एस सी उनका वेस्ट वेस्ट नहीं होगी बी एस सी, वो बी एस फिफ्थ सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाएंगे, वो इक्विवेलेंट टू एम एस सी होगी अगर उनको बी एस की डिग्री कंप्लीट मिल जाएगी। तो अभी मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि ये जो है एड आई है इसमें एडमिशन टेस्ट कैसे होगा, किस टाइप का होगा, कौन कौन से टेस्ट जो हैं गैट के या हैट के कौन से टेस्ट एप्लीकेबल हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे थे, उसको मैं डिटेल से सारा डिस्कस कर देता हूँ। हाँ, इससे पहले ये आप लोगों ने दोबारा बता दूँ, बी एस और एम एस सी की एडमिशन अभी ओपन ही हुई, उनकी एड अभी आनी है, और एम एस सी में अगर एडमिशन ना भी ओपन हुए तो वो बी एस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ओपन होंगे। पीआईडी में ये आपके सामने सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर एडमिशन ओपन है, इसमें टोटल 33 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर इस लिस्ट में शामिल है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, पीएचडी के लिए आपका एमफिल होना चाहिए या एमएस विद 3 CGPA, 3 या मोर देन 3 CGPA। अगर आप इसका बिलो सी जी पी है, 3 मोर लेस देन 3 है, तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एनुअल सिस्टम है, एनुअल सिस्टम एम फिल में जो मेरे ख्याल में अब कहीं भी नहीं है, सब हर जगह स्पेशल सिस्टम ही है, तो फिर फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो है ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका टेस्ट कब होगा, मेरिट लिस्ट कहाँ पे होगी, आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, ये सारा ऑनलाइन होगा। आपने जो एडमिशन इसके लिए अप्लाई करना है ये ऑनलाइन admission.gcf.edu.pk पे आपने अप्लाई करना है। तो बाज़ दफ़ा जो आपको एसएमएस अलर्ट नहीं मिलता क्योंकि आप किसी इंपोर्टेड होती है, तो आपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट या डिपार्टमेंट के साथ किसी ना किसी तरीके से रब्ता नोटिस बोर्ड से रब्ता रखना है, ये और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखते रहना है कि मेरिट लिस्ट कब हो रही है, टेस्ट का शेड्यूल कब आ रहा है, वो टाइम टू टाइम वेरी करेगा। तो एसएमएस भी किसी वजह से ना भी आए तो वेबसाइट को आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ना है, इसको इन टच रहना है वेबसाइट के साथ। इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी कि आपका टेस्ट कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इंटरव्यूज कब हो रहे हैं, ये चीज़ें। अभी जो क्लोजिंग डेट है 10 है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे अभी काफ़ी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आए तो मे बी इसकी डेट एक्सटेंड हो जाए। तो इसमें मे बी है, आप लोग अगर आपका बी एस और क्लियर है, एम एस सी क्लियर है, तो आप वेट ना कीजिएगा, डेट एक्सटेंड होगी, आप सारा इसको फॉर्म को फिल करें, और अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो फिर 10 सितंबर तक जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उन लोगों का ही आगे प्रोसीजर फॉलो होगा। तो इस पी आई टी में एडमिशन के लिए ज़रूरी है सब्जेक्ट टेस्ट, चाहे वो एन टी एस का हो या हैट का, इसमें 70 स्कोर होना चाहिए आपका, और सब्जेक्ट जो उस सब्जेक्ट है उसी में सब्जेक्ट में का टेस्ट होना चाहिए, किसी और टेस्ट का नहीं चलेगा। अगर आपने एनटीएस का टेस्ट या हेड टेस्ट नहीं दिया हुआ तो डिपार्टमेंट टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, ये जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा थ्रू एसएमएस या जिसी और वेबसाइट। आप डिपार्टमेंट के साथ भी है, मैंने आपको कहा है कि मे बी ये दोनों चीज़ों पर ना हो तो आपने डिपार्टमेंट के साथ किस नोटिस बोर्ड के साथ किसी न किसी तरीके से इन टच रहना है ताकि आप तक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इससे नेक्स्ट आता है कि आप टेस्ट पास हो जाए तो आप नेक्स्ट आपके इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में आपके पब्लिकेशन के मार्क होते हैं, जो आपके इम्पैक्ट फैक्टर हैं, एच ई सी रिकॉग्नाइज्ड हैं, उसका मेरिट बनता है आपका कुछ जो है प्रीवियस डिग्री के मार्क्स प्लस
जो इंटरव्यू के मार्क्स प्लस पब्लिकेशन के मार्क्स, इसको ब्लॉक के फिर मेरिट बनता है, और मेरिट पे ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, डेट्स आ जाती हैं साथ, इन डेट्स के अंदर आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने डिपार्टमेंट में ले जाएं और फीस को सबमिट कर दें। अगर आप क्लोजिंग डेट तक उसकी जो डेट दी हुई है उस तक फीस सबमिट नहीं करते तो आपका एडमिशन नहीं होता। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं हम पी एच डी के टेस्ट में। पी एच डी के टेस्ट में जो यूजली जो हम GCEF के अंदर टेस्ट है, ये सारा सब्जेक्ट टाइप होता है। इसमें न कोई दूसरे जो है एनालिटिकल रीजनिंग या इंग्लिश का नहीं होता। अगर इंग्लिश है तो प्योरली इंग्लिश का होगा, मैथ का तो प्योरली मैथ का होगा, जूलॉजी का तो प्योरली जूलॉजी को। सारे MCQs होंगे, 100 MCQs होंगे, 2 hours आपके पास टाइम होगा। आपने 2 hours के अंदर 100 MCQs करने, जो 70% स्कोर होगा वो पास होगा। इसका जो रिजल्ट है आपको किसकी वेबसाइट वगैरह पे नहीं मिलता, इसका टेस्ट आपको नोटिस बोर्ड पे या डिपार्टमेंट से ही मिलेगा। इसमें जो पास हो जाएंगे स्टूडेंट उनके उनके नेक्स्ट इंटरव्यूज होंगे और उसी उन्हीं के आगे फिर वो मेरिट लिस्ट नाम आएंगे। और इसके लिए जो गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट में जॉब करें वो NOC के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते, उनको NOC लेना जरूरी है। अब सेकंड जो है मैं डिस्कस कर दूं आप लोगों के साथ MPhil। MPhil की सब्जेक्ट लिस्ट आपके सामने दी गई है, टोटल 50 सब्जेक्ट्स हैं। ये मॉर्निंग के प्रोग्राम हैं, इसी तरह से जो इवनिंग के प्रोग्राम हैं। इसमें अगर मैथ की बात करें तो मैथ तीनों में है, मॉर्निंग में भी है, इवनिंग में भी है और PhD में भी है। यानी तीनों में आप जो मैथमेटिक्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है कि आपके जो टेस्ट हैं 15, 16, 17 को होंगे टेस्ट और इंटरव्यूज, और ये डिपेंड अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है तो ये टेस्ट की डेट्स भी आगे फर्दर एक्सटेंड हो जाएंगी। और जिन लोगों ने एडमिशन टेस्ट दिया हुआ है, गेट का टेस्ट पास है, तो उनकी एडमिशन फीस सिर्फ 700 होगी। अगर उन्होंने डिपार्टमेंटल टेस्ट देना है तो वो 500 मोर साथ में पे करेंगे। और MPhil के लिए जो गैट का टेस्ट है वो टाइप आपकी होनी चाहिए, जो आप किस टाइप में आप लोगों ने का सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, मैथ है, जो साइंसेज हैं वो नेचुरल साइंसेज में देंगे, जो सोशल साइंसेज वाले सोशल साइंसेज का जो टेस्ट गैट का है वो देंगे, उसका वही वाला मानेगा। क्योंकि जैसे साइंसेज वाला बच्चा सोशल साइंसेज वाला टेस्ट गैट दे के आया तो वो एलिजिबल नहीं होगा, उसका टेस्ट नहीं माना जाएगा। अब जो MSc के लिए आपकी रिक्वायर है, BS में आपका CGPA 2.4 हो, या फिर आपकी जो है सेकंड 50% मार्क्स हो आपके, वो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। सेम प्रोसीजर वही वाला है जो मैंने PhD के लिए बताया, बट इसमें डिफरेंट होगा कि आपका जो गैट टेस्ट या NTS टेस्ट है उसमें आपका 60% स्कोर वाला एलिजिबल होगा। उसके अंदर जो PhD के लिए जो आपका टेस्ट है वो सिर्फ सब्जेक्ट टेस्ट माना जाएगा, और इसमें गैट जर्नल 60% के साथ आप एलिजिबल होंगे। इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है, गैट टेस्ट पास नहीं है तो आपका टेस्ट डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा। डिपार्टमेंटल टेस्ट ऑनलाइन या फिजिकल दोनों ही हो सकते हैं। इसके बारे में आपको वेबसाइट के थ्रू बता दिया जाएगा कि कौन से वाला टेस्ट होना है, कैसे होना है, अपने वेबसाइट्स को देखते रहना है। बाकी इसके इंटरव्यूज का मेरिट लिस्ट लगाने का मेथड सेम वही वाला है जो आप लोगों को बता दिया। ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, और दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं, जो टेस्ट होगा चाहे वो MPhil है चाहे PhD है, इसका 2 hours ड्यूरेशन होगा, 100 MCQs होंगे, और ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। अक्सर बच्चे पूछते हैं सब्जेक्ट हम कौन से करें, बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे होते हैं, तो उसमें आप यूजली आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं उनको आप लोग सारा करें। जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में आप लोग जैसे MSc फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, इस तरह थर्ड और फोर्थ में आपने जो कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सबको आपका टेस्ट कवर करता है। इस तरह अगर BS में है तो आपका फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स, और BS 7 और 8 में जो कंपलसरी सब्जेक्ट आपने पढ़े, इसमें प्योर अप्लाइड वाले सब्जेक्ट हम लोग इंक्लूड नहीं करते क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़े होते हैं, कुछ लोगों ने नहीं पढ़े होते। हमने सभी ऐसे जनरल सब्जेक्ट कवर करने होते हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स ने कवर किए और पढ़े होते हैं। और PhD में जो डिफिकल्टी लेवल ज़रा ज़्यादा होता है क्योंकि उन्होंने MPhil करके आए हुए बच्चे, और MPhil का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा लो होता है। ये सारा प्रोसीजर है सारा MPhil PhD के एडमिशन के टेस्ट का। और BS
और एमएससी के लिए एड पार्टनर। ये हमारा टोटल सारा गाइड था। इसमें कोई क्वेश्चन आपके हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, इसमें मैं लाइक वीडियो में भी इसके आंसर कर हो सकता कर दूँ, या फिर इसके कमेंट के अंदर ही आप शेयर कर दूंगा, आप उसको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।